आज जो है डीसी कार्यालय में कई ऐसे प्रत्याशी नॉमिनेशन करने के लिए आए हैं और हमारे साथ जो मौजूद है आयुष अली जी है जो जेएलकेएम के हटिया विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी जाति निवासियों को मेरा जवाब। पहला जो बात कि आपका चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए झारखंड है, ठीक है, झारखंड 365 दिन बड़ा मुद्दा जो यहाँ पे है वो है कि जो भी आप इसका जो शिक्षा का जो स्तर है वो दिन ब दिन यहाँ गिरता चला जा रहा है और बेरोजगारी का जो दर है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। किसी को भी जीने के लिए दो चीज़ जो है सबसे ज़रूरी है, तो सबसे पहले तो हम शिक्षा और बेरोजगार पर ही काम करें, वो ठीक रहा समझिए कि झारखंड आदर्श हो गया। जो सिटिंग जो विधायक है नवीन जायसवाल जी वो किस तरह से कड़ी टक्कर देंगे और भाजपा के जो भी प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के तो क्या लगता है कि किस तरह से कड़ी टक्कर देंगे? देखिए ऐसा है, हम लोग यहाँ पर किसी से टक्कर लेने या किसी से टकराने नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मोटो है झारखंड में बदलाव का और झारखंड में 365 दिन जो 365 मुद्दे उठते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो मरते हैं तो पिछड़े जाति के लोग और गरीब लोग, ठीक है, जो ग्रामीण शहरी लोग ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग भी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, उन सब मुद्दों को ख़त्म कैसे करें। और बात रहा नवीन जायसवाल जी का और अजय सहदेव जी का, तो ये अब झारखंड फैसला, यहाँ की जो लोग हैं यहाँ की जनता है वो अब फैसला करेगी कि झारखंड में बदलाव लाना है या नहीं लाना। क्या लगता है कि जनता का जो अपार समर्थन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है? जी हाँ, अभी तो मैं जिस रूट पे भी जा रहा हूँ, जिस भी क्षेत्र पे जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और जनता का सहयोग मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है और सभी की जो मानसिकता दिख रही है वो लोग सभी के सभी बदलाव चाहते हैं। जेएलकेएम पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है जो जयराम महतो की पार्टी है, वो पार्टी को कहा जाता है कि आंदोलनकारी पार्टी है, क्रांतिकारी पार्टी है, तो क्रांतिकारी विचार से क्या कहेंगे लोगों को संदेश? सर देखिए अभी जयराम महतो जी जो हैं हमारे, उन्होंने जो आंदोलन जो शुरू किया था उनका जो जनाधार है, तो जितने भी यहाँ के बेसिक्स जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी नीड्स यहाँ पे हैं पिछड़े लोगों के वो उनको देखते हुए कर रहे हैं, ठीक है, और उनका जो भी काम हो रहा है उन सब को यहाँ के जो जनता है वो सपोर्ट कर रही है। लोग भी अब चाह रहे हैं कि अब मतलब कि उब गए हैं यहाँ के लोग कि 24 साल हो गया झारखंड को आए हुए और 24 साल में 24 काम ढंग का नहीं हुआ है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, अब तो बदलाव होगा। बदलाव जी बेशक बदलाव होगा, तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर। हाँ सिर्फ यहाँ पे मेहनत से मेरा नहीं है, यहाँ की जो जनता है वो खुद ही मेहनत कर रही है झारखंड में बदलाव होगा। अंबार से देखिए ये थे अयूब अली जी जो कि हटिया विधानसभा क्षेत्र से जेएलकेएम के प्रत्याशी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 365 दिन में 365 मुद्दे होते हैं, उस मुद्दे को हल करना इनकी प्राथमिकता है। अब देखने वाली बात है कि जेएलकेएम के प्रत्याशी जिस तरह से इन्होंने अपनी बातों को रखा है, एक जीत का दावा बड़ा दावा किया है, इस जीत के दावे में कितनी सच्चाई है तो देखने वाली बात होगी कि जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है वो जीत को लेकर सुनिश्चित है। रांची से भारत के लिए मैं मोहन। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।